सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बातचीत करने वाला हूं एक्टिविटी नंबर 1.10 के बारे में, जो कि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर दिया हुआ है ये एक्टिविटी। सो ध्यान से समझिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आ जाएगा। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार बता दूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता था। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, दो सॉल्ट है एक्वस मीडियम में जनरली, और वो एक्वस मीडियम का जो सॉल्ट है उसमें आयन का एक्सचेंज होगा। आयन का एक्सचेंज होने की वजह से जो है आपका दो ही प्रोडक्ट अगर बने, और उस दो प्रोडक्ट में से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक प्रोडक्ट जो है प्रेसिपिटेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट आपका प्रोडक्ट साइड में कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाए, इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर बन जाए जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सो यहां पे इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि आपके पास बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में ऐड करेंगे, दोनों के दोनों व्हाइट कलर का पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब उसको वाटर में ऐड कर देते हैं तो कलरलेस सब्सटेंस बन जाता है, पानी जैसा, दोनों के दोनों देखकर बता नहीं सकते कौन सा बेरियम सल्फेट है, कौन सा बेरियम क्लोराइड है और कौन सा सोडियम सल्फेट है। और जब उसको हम एक दूसरे में ऐड करते हैं, ऐड करने पे देखते हैं वो कलरलेस सब्सटेंस व्हाइट कलर का दूध के जैसा मिल्की मिल्की पाउडर पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, पूरा दूधिया सब लेयर बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और ये यहाँ पे क्या क्या होता है ये चीज जानेंगे। So, देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ना बेरियम और सोडियम, मतलब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में आयन का एक्सचेंज हुआ है। आयन एक्सचेंज होने की वजह से बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट में ट्रांसफॉर्म हो गया और सोडियम सल्फेट जो है सोडियम क्लोराइड में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसकी वजह से बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट कलर का पीपीटी बनाता है, और व्हाइट कलर की पीपीटी बनने की वजह से जो है वो दूधिया दूधिया हो गया। सो रिएक्शन से समझते हैं, तो आपका जो है रिएक्शन में होता है बेरियम BaCl2 बेरियम क्लोराइड कहलाता है, और जब इसको हमने ऐड किया सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट कहलाएगा, दोनों के दोनों कलरलेस है, वाटर के वाटर जैसा है, पाउडर में तो व्हाइट होता है बट इसको जब वो डिप कर देते हैं तो आपका कलरलेस दिखता है। जब हम इसको आपस में ऐड करेंगे तो बनेगा BaSO4 और साथ में NaCl, और ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट बनता है। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट का सिंबल ऐसे डाउन एरो करके भी दिखा सकते हैं, ब्रैकेट में डाउन एरो करके मतलब प्रेसिपिटेट है। अब देखो आपका होता कैसे रिएक्शन, ये ना बेरियम क्लोराइड, ये आपका आयन बनेगा, बेरियम प्लस प्लस बन जाएगा मतलब +2 बन जाएगा, और इसके अलावा क्लोरीन -1 बनेगा, और सोडियम +1 और SO4 -2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, आयन का एक्सचेंज आपस में, इसका पॉजिटिव इसके पास, इसका पॉजिटिव इसके पास, इसका नेगेटिव इसके पास, इसका नेगेटिव इसके पास, ऐसे हो जाता है। सो दैट मींस कि भाई ये बेरियम मान लो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर गया तो क्या बन गया, BaSO4। ये बेरियम अगर रिएक्ट कर गया तो BaSO4, और ये क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर गया सोडियम के साथ तो बनेगा NaCl। सो आपका ये व्हाइट, आपसे रिएक्शन में पूछा जाए व्हाइट कलर का पीपीटी कौन सा है तो बोलोगे BaSO4 बेरियम सल्फेट का है, और इसके अलावा एक्वस मीडियम में सॉल्ट कौन सा है, NaCl, और ये NaCl कौन सा सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो हम अपने घरों में खाने के लिए यूज करते हैं, वो सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड ही होता है। इसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट में इसी रिएक्शन में, मतलब इसी एक्टिविटी में आपको बोला गया और प्रैक्टिस के लिए कि भाई लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के अंदर ऐड करके देखो आपको क्या देखने को मिलता है। सो आपको ये रिएक्शन जो है मैंने पहले भी बताया था कि भाई लेड नाइट्रेट आपका बनता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट होता है, इसको पोटेशियम आयोडाइड में जब ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आपका बनता है PbI2 और साथ में लेड पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 आपका जो ये आपका इनिशियली स्टार्टिंग में दोनों के दोनों जो है व्हाइट कलर का पाउडर होता है, वाटर में डिप करने के बाद ये कलरलेस बन जाता है इसी की तरह, और जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने पे यहाँ व्हाइट पीपीटी बन रहा था, यहाँ येलो पीपीटी बनेगा, लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी बनेगा, ये पीपीटी कौन सा कलर का हो जाएगा, येलो पीपीटी, और इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस मीडियम में सॉल्ट होगा। सो ये होता है आपका एक्टिविटी नंबर 1.10। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली सभा में अगली एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।